हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रुपेश और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो लोग छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यहां पर कंप्यूटर क्लासेस चल रही है, 23 जून से प्रारंभ हो गई है जो कि आज 23 जून है और आज रात 8 बजे से ही क्लास स्टार्ट हो चुके हैं कंप्यूटर की 50 MCQ करेंगे जो कि सिलेबस में कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं छात्रावास अधीक्षक में। और आपको बता दूं कि छात्रावास अधीक्षक में 50 क्वेश्चन कंप्यूटर का रहेगा और साथ ही आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर की क्लास है, ठीक है, और छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस के अनुसार आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 25 नंबर से नीचे लाते हो तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, ठीक है, आपका पेपर चेक नहीं होगा। जो लोग कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा और सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए आज के 50 MCQ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको तैयारी करने में मदद करेगा, ठीक है। अगर आपको एक बार में कंप्यूटर का क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वीडियो को डाउनलोड करके ज़रूर देखें। आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार में आप लोग याद ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट करते हैं जो कि 50 MCQ कराऊंगा आज की क्वेश्चन। और 23 जून से हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास प्रारंभ हो चुकी है। चलिए पहला है WMV का विस्तार क्या है। तो WMV का विस्तार होता है विंडो मीडिया वीडियो, ठीक है, विंडो मीडिया वीडियो, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यह निम्न में से स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवाद है, तो यह कौन सा है, असेंबलर, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, याद करती है चलिएगा साथ में। तीसरा प्रश्न कहता है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में डॉट डॉट बटन दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स खुलता है, तो यह आपका आंसर डी होगा, F5, जो कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में F5 बटन दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स का डायलॉग्स बॉक्स खोलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस है, तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर कोड होता है, जो कि आपका आंसर सी सही होगा, ये हार्डवेयर नहीं होगा। राहुल, जो आप कमेंट कर रहे हैं ना, हार्डवेयर नहीं होगा, ठीक है, कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर कोड होता है। देखिए लाइव क्लासेस 25 जून से प्रारंभ होने जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर, डेली क्लासेस कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा एवं बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है। अब यहाँ पर परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है पूछा गया है, तो आपका ए आंसर हो जाएगा, परम क्रांति। जबकि अगर यहाँ परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य पूछा जाता तो आपका बी, सी और डी सही होता, जो कि परम पदम, परम युवा और परम 8000 है, जो कि परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो आपका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिट्स का तात्पर्य होता है, बिट्स का तात्पर्य होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है, बाइनरी डिजिट, ठीक, आंसर डी होगा, नहीं राहुल, बाइनरी डाटा नहीं होगा। क्यों होगा, बिट्स का तात्पर्य होता है बाइनरी डिजिट होता है, ठीक है। देखिए कई लोग आंसर बी लगा रहे हैं, बाइनरी ट्रीस होता है करके। देखिए राहुल जी बोल रहे हैं कि बाइनरी ट्रीस होगा, आपने अभी बोला बाइनरी डाटा, देखिए आप कंफ्यूजन हो रहे हैं, ठीक है।
बाइनरी डिजिट होगा इसका आंसर। सातवां क्वेश्चन है, देखिए आप हाँ बिल्कुल डाउनलोड करके रख लीजिएगा, आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है डिलीट नहीं करूँगा मैं वीडियो को। निम्न में से कौन सा हिंदी वायरस है? तो हिंदी वायरस कौन सा है, देखिए एवस्ट, एवीजी और नॉर्थन, ये तीनों ही हिंदी वायरस है। और देखिए कौन सा हिंदी वायरस है बोला गया है, तो मैं आप सभी को बता दे हूँ, जी बिल्कुल उपरोक्त तो सभी आएगा। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा है, कौन सा है जल्दी कमेंट कीजिएगा, लेजर प्रिंटर बी होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 50 एमसीक्यू करेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। निम्न में से किसने 3D प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया है? तो किसने 3D प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया है, तो इसका आंसर डी होगा, चार्ल्स हुल ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबेकस ग्रीक शब्द डॉट से प्राप्त किया जाता है, तो कहाँ से प्राप्त होगा, एबेक्स आंसर सी होगा, एबेक्स से प्राप्त किया जाता है। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, तो देखिए जंक ईमेल को स्पूप कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्पूप कहा जाता है, इसका आंसर बी होगा। 12वां क्वेश्चन है, सर्च इंजन से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो सर्च इंजन से आप क्या प्राप्त कर सकते हो, वीडियोस, इमेज, डॉक्यूमेंट, यानी कि इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा। सर्च इंजन से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, इमेज प्राप्त कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SEO का विस्तार हुआ है, तो SEO का विस्तार होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका आंसर कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। शेयर कीजिएगा, ठीक है, जो लोग छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भंडारण माध्यम 25 GB से अधिक, क्या बोला गया यहाँ पर कि कौन सा भंडारण माध्यम है जो 25 GB से अधिक डाटा का भंडारण कर सकता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर ब्लू रे डिस्क होगा, ठीक है, कौन सा होगा, ब्लू रे डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कंप्यूटर प्रोग्राम 0 और 1 की लंबी श्रेणी में बनाया गया है, इस प्रोग्राम को कौन सा प्रोग्राम कहते हैं, मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंसिव एक्सेस यानी कि सूचित अनुक्रम अधिगम प्रदान करता है, तो कौन सा होगा इसका, मैग्नेटिक टेप सी होगा। 17 क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 17वां क्वेश्चन, क्विक टाइम फॉर्मेट खाली स्थान के द्वारा विकसित किया गया है, तो क्विक टाइम फॉर्मेट किसके द्वारा विकसित किया गया है, जल्दी कमेंट कीजिएगा, क्विक टाइम फॉर्मेट, इसका आंसर एप्पल होगा, ठीक है, एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर ए होगा, हैकू, जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है पूछेगा तो आपको विंडो, ओपन सोलर और गूगल, ये तीनों ही आ जाएगा, लेकिन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा है तो इसका आंसर ए होगा,
हैकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, तो इसका आंसर सी होगा जॉयस्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकजेट प्रिंटर के मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या, तो कार्टिजों की संख्या 4 होती है, आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है पूछा गया है। तो देखिए पहला देखते हैं कि डिलीट फाइल रिसाइकिल बिन में स्टोर हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन सही नहीं है पूछा गया है। तो फाइलों को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिस्क में फ्री स्पेस स्टोर हो सकता है, गलत, यह नहीं होगा। तो यही आपका आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉग क्या है, फ्रॉग एक नए प्रक्रिया का बनना होता है, फ्रॉग क्या होता है, नए प्रक्रिया का बनना होता है, ओके। चलिए 23 क्वेश्चन है कि बाय डिफॉल्ट किस पन्ने पर होता है, तो हर एक पन्ने पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 50 MCQ कराएंगे, ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन लास्ट एक वीडियो जरूर देखना, ओके। चलिए स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन की का उपयोग होता है, तो स्लाइड शो देखने के लिए कौन से कीबोर्ड फंक्शन का उपयोग होता है, स्लाइड शो बोला मैं, F5 है ना, स्लाइड शो देखने के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता, तो स्पेस सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याहू गूगल और एमएसएन क्या है, तो याहू गूगल और एमएसएन क्या है, एक इंटरनेट साइट होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएमएल द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता क्या होती है, तो GMAIL यानी कि जीएमएल द्वारा भेजे जाने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता 25 MB तक होता है, तो इसका आंसर सी होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकिल बिन में, यानी कि रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए कौन से की कर दबाते हैं, तो यहाँ पर आपका शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं, कौन सा, अल्ट प्लस डिलीट नहीं होगा सोनू, शिफ्ट प्लस डिलीट होगा जी। मतलब कोई फाइल होता है जो स्थायी तौर पर उसको रिसाइकिल बिन में भेजे बिना ही डिलीट करते हैं, उसको शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं, कंप्यूटर में ये सब आता है, मोबाइल में नहीं दिया रहता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MPG किस प्रकार के फाइल को एक्सटेंशन करता है, तो MPG क्या है, एक वीडियो है ना, MPG क्या है, वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको 50 MCQ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको कंप्यूटर के आने वाले जैसे कि छात्रावास अधीक्षक है उसी की क्लासेस चल रही है और उसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 25 नंबर लाना अनिवार्य है, लेकिन आपको 25 नंबर नहीं लाना है, आपको कम से कम 40+ यानी कि 40 से ऊपर लाना अनिवार्य है। मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर 40+ करते हो तो आपका अच्छा ही रहेगा मार्क्स, है ना, हाँ समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी होता है मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क सी होगा। चलिए 32 क्वेश्चन देखेंगे, खोज इंजन बैदू कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये चीन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EDP क्या है, EDP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग आंसर सी होगा।
चलिए गीगो शब्द क्या है, गीगो शब्द से किससे संबंधित है, तो ये शुद्धता से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर से संबंधित क्या है। लेजर प्रिंटर क्या है, एक पेज प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर एक पेज प्रिंटर है। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्नों को क्या कहते हैं, तो बार कोड कहते हैं, ठीक है, बार कोड कहते हैं। वेब क्रॉलर को क्या कहा जाता है, वेब क्रॉलर को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। बेबी स्पाइट कहा जाता है, यानी कि वेब स्पाइट। ओके चलिए, चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन कौन सा है। चीन में पूछा गया है, अभी मैं जस्ट कराया हूँ, बैदू, ठीक है, बैदू होगा। डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का कौन सा प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, डी होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर है। एम एस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने हैं, तो देखिए स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का प्रयोग करते हैं, ठीक है, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की पहचान की हेरा फेरी कर, किसी व्यक्ति की पहचान की हेरा फेरी कर किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना किस प्रकार का प्रयास है, तो ये फिशिंग स्पैम होगा। क्या होगा, फिशिंग स्पैम, ठीक है। चलिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के खालिस्थान के माध्यम से जुड़े होते हैं, तो किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े होते हैं, पोर्ट्स के माध्यम से, इनपुट और आउटपुट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप यानी कि GPEG को संक्षिप्त रूप में क्या कहा जाता है, इमेज कहा जाता है, ज्वाइंट है ना, ज्वाइंट, JOINT, ज्वाइंट यानी कि इमेज। ओके 44 क्वेश्चन देखेंगे, 44 क्वेश्चन है, एक्सेल शीट की एक पंक्ति यानी कि रो को छुपाने के लिए, एक्सेल जैसे कि एक्सेल में काम करते हैं ना, तो उसकी एक पंक्ति को छुपाने के लिए रो को, कॉलम और रो आप समझते हैं, हाँ, रो को छुपाने के लिए Ctrl+9 नहीं, Ctrl+F9 नहीं होगा, बी आएगा आंसर, Ctrl+9 का क्या करते हैं, रो को छुपाने के लिए बोला गया है, दिखाने के लिए नहीं बोला है। ओके चलिए, आपके लिए यह प्रश्न है, 45 क्वेश्चन, आप इसका आंसर जरूर बताएं कमेंट में, आपके लिए यह प्रश्न होगा, मैं आपको यह प्रश्न छोड़ता हूं, मैं जी आपके लिए यह प्रश्न छोड़ देता हूं। स्टूडेंट, आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं कि यह यूनिक्स का जैसा मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, इसका आंसर मुझे भी पता नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, इसका आंसर व्यापम द्वारा विलुप्त कर दिया गया है, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आंसर कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वीडियो खालिस्तान के तारतम्य से बना होता है, तो फ्रेम के तारतम्य से बना होता है, फ्रेम के तारतम्य से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अलग कौन सा है, तो बायोसी अलग होगा, क्योंकि देखिए CD कम्पैक्ट डिस्क, DVD का मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, फ्लॉपी भी अलग है, SD डिस्क अलग है, ये तीनों एक समान है, ये तीनों एक समान है, लेकिन बायोस क्या है, अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल शीट के एक पूरे कॉलम यानी कि स्तंभ का चयन करने हेतु कौन सा आएगा, चलिए जल्दी कमेंट कीजिएगा कौन सा आएगा, Ctrl+Space Bar, Ctrl+Space Bar। ओके, निम्न में से किसका सबसे तेज एक्सेस टाइम है, कौन सा है सबसे तेज एक्सेस टाइम, सेमीकंडक्टर, बिल्कुल राइट, सेमीकंडक्टर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाली कैड सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट हेतु खालिस्तान डिवाइस का उपयोग किया जाता है। जो लोग चैनल पर नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डेली क्लासेस कराया जाएगा 50 MCQ कंप्यूटर का, 25 नंबर आपको लाना अनिवार्य होता है, ये अगर इससे कम आता है तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करने वाले चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके चलिए, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर प्लाटर होगा, क्या
क्या होगा? प्लाटर। उच्च गुणवत्ता वाली कैड सिस्टम का जो ड्राइंग होता है वो ग्राफ प्रिंट के लिए प्लाटर की आवश्यकता होती है, प्लाटर की आवश्यकता होती है, प्लाटर की, ठीक है। हाँ, आज रात 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है, हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इसका डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, जो भी है ये सब आपको PDF नोट्स में उपलब्ध होते रहता है, प्रोवाइड किया जाता है। चलिए आजकल इतना ही, ओके। हाँ, 25 जून से लाइव क्लासेस होगी। चलिए।